आगामी लोकसभा चुनाव जिसकी डगर बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है, जिसकी वजह है उनके खुद के सांसद जो एक एक कर पाला बदलते जा रहे हैं। पार्टी के वो नेता भी साथ छोड़ने को आतुर हैं जिनको लेकर आगामी चुनाव में बसपा मजबूत दांव चल सकती थी। पहले दानिश अली, फिर रितेश पांडे पार्टी छोड़ी और अब बसपा नेता गुड्डू जमाली के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और बहुत जल्द हाथी से उतरकर साइकिल की सवारी कर सकते हैं। बता दें, आजमगढ़ के मुस्लिम मतदाताओं में जमाली का खासा प्रभाव माना जाता है। 2022 का उपचुनाव होने के बावजूद पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने ऐलान कर रखा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो आजमगढ़ से बसपा के टिकट पर लड़ेंगे। उन्होंने यहां तक दावा किया था कि इस सीट पर आगामी आम चुनाव में भी सपा की हार तय है। ऐसे में अगर गुड्डू जमाली चुनाव से एन पहले बसपा का साथ छोड़ देते हैं तो ये पार्टी के लिए इस क्षेत्र में बड़ा झटका होगा, क्योंकि करीब 19 लाख मतदाताओं में से करीब 3.5 लाख वोट यादव, 3 लाख से ज्यादा वोट मुस्लिम और करीब 3 लाख वोट दलित हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा में करहल सीट से चुनाव जीतने के बाद बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, जिसके कारण इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा था। सपा की ओर से जहां पूर्व सांसद और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में थे, तो बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल उर्फ निरहुआ को टिकट दिया था। वहीं बसपा ने कद्दावर नेता गुड्डू जमाली को टिकट दिया। बताया जाता है कि उन्हीं के मैदान में उतरने के बाद सपा की जीत की राह मुश्किल हो गई और बीजेपी ने अंत में अखिलेश यादव के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। बता दें, गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। गुड्डू जमाली ने 2012 में मुबारकपुर विधानसभा पर जीत हासिल की थी। 2017 में भी गुड्डू जमाली ने मुबारकपुर विधानसभा से जीत हासिल की थी। नवंबर 2021 में गुड्डू जमाली ने बसपा से इस्तीफा दे दिया था। 2022 में गुड्डू जमाली फिर एक बार बसपा में शामिल हुए और लोकसभा उपचुनाव लड़ा। बता दें, गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में आने से आजमगढ़ और आसपास की सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत होगा। इससे सपा वापस अपने इस गढ़ को हासिल कर सकती है। वहीं दूसरी ओर यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बदायूं से टिकट कटने के बाद धर्मेंद्र यादव को यहां शिफ्ट किया जा सकता है। सपा की पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को बदायूं से टिकट दिया गया था। हालांकि तीसरी लिस्ट में उनकी जगह शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।